तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऐसी टेक के यूट्यूब के चैनल पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कैसे बदल सकते हैं, अपने फोटो को पीडीएफ में कैसे बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि अगर एमएस वर्ड के फाइल को पीडीएफ में बदलना है तो आप इंटरनेट से जाके बदलते हैं या कोई ऐप डाउनलोड करके बदलना होता है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा आप बदल सकते हैं पीडीएफ में, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के, कि फोटो को भी पीडीएफ में बदल सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को भी पीडीएफ में बदल सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है, जैसे आपका मार्कशीट है या कोई अगर लेटर तैयार किया है, आप रिज्यूम बनाए हैं, तो सामने वाले का आता है कि नहीं आप पीडीएफ में भेजिए इस चीज़ को। तो पीडीएफ में भेजने के लिए आपको बहुत सारा दिक्कत आता है कि पीडीएफ में उसको बदलेंगे कैसे। तो नॉर्मली इस वीडियो को देखने के बाद ये आपका प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से पीडीएफ में बदल सकते हैं नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज करके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ चुके हैं हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास देखिए एक फ़ोटोज़ है और एक हमारा डॉक्यूमेंट है। तो हम पहले आपको डॉक्यूमेंट खोल के दिखा देते हैं। तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये आपका भी देखिए नॉर्मली डॉक्स में है, एमएस वर्ड के फॉर्मेट में है आपका ये। तो इसको आपको बदलना है पीडीएफ में। और एक हमारा फ़ोटोज़ है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये आपका फ़ोटो है, तो इसको भी बदलेंगे हम लोग पीडीएफ में और बिना किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के। तो चलिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम लोग पहले अपने डॉक्यूमेंट को बदल देते हैं पीडीएफ में। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप इसको पहले कर लीजिए ओपन। नॉर्मली जिस तरह आप एमएस वर्ड में खोलते हैं आप इसको खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आपको क्या करना है, ऑफिस बटन पर जाना है। ऑफिस बटन पर जाने के बाद आपको प्रिंट पर जाना है और प्रिंट में जाके आपको करना है इसको प्रिंट पर क्लिक। तो जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान रखिए कि यहाँ आपको देखिए प्रिंटर का नेम चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, इस पर क्लिक करेंगे आप। इस पर जैसे क्लिक करेंगे और आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ आपको पहले देखिए नॉर्मली पेज भी देखता है, तो दो पेज तो ऑल रहने दीजिएगा, आपका दो जितना भी पेज रहेगा 2, 10, 20 सारा पेज आपका पीडीएफ में बदल जाएगा। तो ऑल में रहने देना है आपको, इसको करना है ओके। तो जैसे ओके करेंगे आप ये मत सोचिए कि प्रिंट निकलेगा, नहीं, ये आपको सेव करने के लिए ऑप्शंस देगा। तो आपको देखिए यहाँ पे आप देखिए सेव एज टाइप में पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, तो हम इसका फिर से नाम लिख देते हैं व्हाट इज कंप्यूटर और इसको हम लोग कर देते हैं डेस्कटॉप पर सेट। तो जैसे हम इसको सेव करेंगे तो अब इस फाइल को बंद करके आते हैं हम लोग डेस्कटॉप पर। तो यहाँ पर देखिए आपको व्हाट इज कंप्यूटर का जो है पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा डेस्कटॉप पर। तो ये है आपका, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये है आपका। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर अब आपका किस में बदल गया। जब इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए आपका पीडीएफ में खुलेगा, आप ना इसमें कोई एडिट कर सकते हैं ना इसमें कोई बदलाव आपको करने के लिए इसमें आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट को बदलना पीडीएफ में। अब हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे फ़ोटोज़ को, कि फ़ोटो को पीडीएफ में कैसे बदलेंगे। तो फोटो को पीडीएफ में बदलने के लिए फ़ोटो के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ओपन विथ में जाइएगा, ओपन विथ में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपका खुल जाएगा, आप इसको रोटेट करके सीधा कर सकते हैं, सीधा हो गया। अब आपको यहाँ पे जाना है फाइल में, यहाँ पे आपको करना है फिर से प्रिंट। जैसे प्रिंट में जाएंगे तो फिर आपसे ये पूछेगा कि यहाँ प्रिंटर वाला ऑप्शन, तो प्रिंटर में नहीं लेके आपको लेना माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, ये लेंगे। लेने के बाद आप इसका ये हो गया, आपका साइज़ देख सकते हैं कि लेटर में A4 साइज़ का है। क्वालिटी आपका जो है आपको जो चाहिए जितना साइज़ में चाहिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा, आपको जो बदलना चाहे बदलिए, ठीक है। फ़ोटोज़ को आप यहाँ पे नॉर्मली फुल साइज़ अगर फ़ोटो रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा और उसको करेंगे प्रिंट, तो प्रिंट नहीं निकलेगा, फिर आपको ये सेव करने के लिए देगा। तो हम इसको सेव कर देंगे PH फ़ोटो के नाम से, कहाँ पर, तो डेस्कटॉप पर। तो ये हो गया बंद। तो अब देखिए आपको क्या है कि आपका ये जो फ़ोटो है, फ़ोटो नाम से डेस्कटॉप पे आपका आया होगा, यहाँ देख लीजिए, तो ये है आपका फ़ोटो। फ़ोटो को डबल क्लिक करके देखिए ये फिर से पीडीएफ में आपका है, ठीक है। तो आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें आपका, देखिए तो बन गया ये आपका पीडीएफ। यहाँ पर आपको किसी भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से पीडीएफ में बदल सकते हैं, अपने फ़ोटोज़ को पीडीएफ में बदल सकते हैं, ताकि आप अगले को अगर भेजें तो उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये था हमारा डॉक्यूमेंट और फ़ोटोज़ को पीडीएफ में चेंज करना।
इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।